मेरा नाम उदय सिंह जी। राव सुल्तान सिंह जी, ये सब दुहाई हो, आपको दुहाई हो, ये सब आपके पुत्र प्रताप के कारण हुआ है। राव सुल्तान सिंह जी, आपको भरोसा नहीं है हमारी बात पर? भरोसा नहीं है, स्वयं जाके देख लीजिए आप क्या किया है आपके, क्या किया है सका वीर ने। आप स्वयं उसके मुख से वस्त्र उठा के पहचान कर लीजिएगा कि सका वीर कुंवर प्रताप है या नहीं। हमारी मान मर्यादा हमको छिन्न भिन्न कर दिया। राव सुल्तान सिंह जी, अपनी मान मर्यादा तो आप उसी दिन गवा बैठे थे जिस दिन आपने अपनी सहायता के लिए उन मुगलों को यहाँ पर बुलाया था। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपकी सोच कितनी मिथ्या है। यदि आप सिद्ध कर सके तो अधिक आनंद हमें होगा। जाइए, चल जाइए, चलिए जाइए जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरम खान जी की योजना अब सफल होगी। योजना थी क्या ये, हम याद कर लें या बैरम खान जी याद दिलाएंगे? हम ही याद कर लेते हैं। हाँ, याद आ गई। बाप के हाथों बेटे का वध, जी बावड़ा हो गया। देखो, देखो, अपनी अहंकार में डूबी आंखों से देखो। तुम हमारे मातृभूमि के लोगों को दास बनाने चले थे ना, अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख करते हैं। हमें माफ कर देना जलाल, आज बैरम खान मुगलिया शान को नहीं बचा सका, माफ कर देना हमें। अरे सखा वीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का पाल तक भागा नहीं कर सकता। सखा वीर, यदि तुमने अग्निबाण छोड़ा तो समझ लो तुम्हारा जीवन समाप्त। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पर रंगमंच डालिए, हमें रंग लगाना ठीक नहीं लगता। देखिए ना कुंवर प्रताप, ये होली है, रंगों का त्योहार, कब तक रंगों से बच पाएंगे आप? किंतु अगर कुंवर प्रताप को रंगों में रुचि नहीं तो कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। अरे राणा जी, ऐसे कैसे हो सकता है, आज के दिन इनको रंग नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? लगाइए रंग। रुकिए, हमने कहा ना अगर कुंवर प्रताप रंगों से नहीं खेलना चाहते तो उनकी इच्छा के विरोध उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आप इसे हमारा आदेश मान सकते हैं। ऐसे संरक्षक पिता हमने कहीं नहीं देखे। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुंवर प्रताप पर कोई रंग भी नहीं डाल सकता। राणा उदय सिंह जी, आप ये जो ध्वज देख रहे हैं ये मुगलों का ध्वज है, और जिस धरती पर यह ध्वज फहर रहा है ये राजपुताने की धरती है। हम जीते जी ये ध्वज हमारी धरती पर कैसे फहरते देख सकते हैं?
हमारा रक्त उबलता है इस ध्वज को यहाँ फैलते देख। सखावीर, हम नहीं जानते कि किस गुरुकुल में तुमने देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। हमारे लिए तुम्हारे विचार सब मिथ्या है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझाई? ठीक है, आज हम तुम्हें समझाते। लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, परंतु उसे प्राप्त करने का मार्ग अगर अनैतिक, न्याय विरुद्ध है, शासन और व्यवस्था के विरुद्ध है, तो उस मार्ग को उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए उस राज्य विशेष द्वारा निर्धारित और परिभाषित मार्ग होता है, जिसका सभी का अनुसरण करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विवशताएं होती हैं, जिसकी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो सखावीर, वो राजधर्म के विरुद्ध है, और जो कार्य राजधर्म के विरुद्ध हो, वो हम तुम्हें करने नहीं देंगे सखावीर। राणा जी, हमने इस मुगल ध्वज को जलाने की सौगंध ली है। हमने भी तुम्हें पकड़ने की सौगंध ली है सखावीर। और इतना ही नहीं, मेवाड़ को और अपने पुत्र को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ली गई ये सौगंध अब हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो तुम कर रहे हो, इसमें ना तो मेवाड़ का कोई हाथ है और ना ही हमारे पुत्र का। तुम मात्र एक दिग्भ्रमित हो, जो आतंकवादी मार्ग से अपने आदर्शों को प्राप्त करने के भ्रम में बूंदी के लिए और बूंदी की न्याय व्यवस्था के लिए संकट बने हुए हो। तो तुम समझ सकते हो सखावीर कि हमारी सौगंध के पीछे कितना बड़ा उत्तरदायित्व छिपा हुआ है। तुम्हें एक और चेतावनी देना चाहेंगे सखावीर कि हम आज तक ऐसे किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए जिसकी जय और पराजय के पीछे इतना बड़ा उत्तरदायित्व हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बाद जब हम तुम्हें दंड दे रहे हो, तो उसमें छूट की संभावनाएं बढ़ जाए। राणा उदय सिंह जी, आप हमारे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, किंतु हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। और सच्चाई तो यह है राणा जी कि हम आपके और आपके पूर्वजों के आदर्शों को ही मानकर बड़े हुए हैं। किंतु क्षमा कीजिए राणा जी, आज आपके प्रति हमारे मन में बसा सम्मान भी हमारे सगनी बाण और इस मुगल ध्वज के बीच नहीं आ सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो केवल बूंदी की ही नहीं, सारे राजपूताने की प्रजा का विश्वास उठ जाएगा। तुम मात्र एक साधारण अपराधी हो सखावीर, जो भोली भाली प्रजा की भावनाओं का सहारा लेकर राज्य व्यवस्था को अपदस्त करना चाहते हो। राणा जी, आप इस विवाद को यहीं समाप्त कीजिए, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तुम्हें तो भय का अर्थ भी नहीं पता। हम तुमसे कह रहे हैं कि रुक जाओ। हमारी माँ ने हमसे सदा यही कहा है राणा जी कि साहस भय में नहीं, बल्कि इस मूल्यांकन का फल होता है कि जीवन में भय से भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि एक वीर अधिक न जी पाए, किंतु राणा जी, जो अपने लंबे जीवन के लिए पग पग पर अपने आदर्शों से समझौता करता रहता है, उसका जीवन तो जीवन कहलाने योग्य भी नहीं होता। हमने कहा रुक जाओ सखावीर, सखावीर हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, रुक जाओ। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं सखावीर, रुक जाओ। सखावीर पार्थ, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला ये एक ऐसा विचित्र महायुद्ध है, इसमें सत्य और असत्य के बीच भेद कर पाना कठिन हो जाता है। मेवाड़ नरेश उदय सिंह की जय हो, जय हो। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह की जय हो। अभी तो तुम राजपूताने की बातें कर रहे थे, अगर सच्चे राजपूत की संतान हो तो उठो, युद्ध करो हमसे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाने के बाद तुम एक तलवार का वार नहीं सह पाए? नहीं सखावीर, हम ये बात नहीं मान सकते। उठो सखावीर, उठो।
उठाओ अपनी तलवार और वार करो हम पर। हम बताते हैं सखावीर क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। महाराणा उदय सिंह ने दे दिया है सखावीर को ललकार और लग रहा है सखावीर करेगा उसका स्वीकार। बहुत अच्छे सखावीर। चलो सखावीर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। एक सच्चे राजपूत हो इसलिए हमारी चुनौती स्वीकार करो और वार करो हम पे और सम्मानजनक मृत्यु का आलिंगन करो। क्या पता तुम्हारे इस अपमानजनक जीवन का अंत सम्मानजनक हो जाए। अर्जुन के मन में अभी भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि राज्य के लिए विजय के लिए भला वो अपने ही दुर्योधन दुशासन आदि भाई पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर कैसे वार कर सकता है। लड़ो सखावीर एक सच्चे राजपूत की भांति वार करो हम पे। ए पीछे हटो देखने दो तमाशा। क्या हुआ सखावीर? अभी कुछ देर पहले तो तुम समस्त राजपूताने के सपनों का उत्तरदायित्व ले रहे थे और अब तुम एक राजपूत राजा तक का सामना नहीं कर पा रहे। उठाओ लड़ाई करो हमसे। जब तुम धाराशाही हो गए हो सखावीर तो तुम्हारे मुंह पे लगा कपड़ा हटाकर हम देखे तो सही कि तुम्हारा असली रूप है क्या। हाँ, हमें भी दिखाइए। अर्जुन एक सच्चे योद्धा की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रहनी चाहिए चाहे जितने भटकाव सामने आए। अर्जुन तुम्हारे बाह्य चक्षु ही नहीं ज्ञान चक्षु भी केवल अपने लक्ष्य पर ही टिके रहने चाहिए। उठिए कुंवर प्रताप। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। इस अभियान को पूरा करने से पहले ही आप अपनी पहचान कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? कुंवर प्रताप यदि आपके दाजीराज को पता चल गया कि आप ही असली सखावीर हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या मान रह जाएगा उनका सुल्तान सिंह और बैराम खान के सामने? उठिए कुंवर प्रताप उठिए, आपको उठना ही होगा। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप उठिए, आपको उठना होगा। कुंवर प्रताप उठिए। सखावीर फिर से जीत हो गए। सखावीर है भीष्म पिता, कहीं इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं है इनके पास? चाहे तेरे सामने पितामह भीष्म चाहे गुरुदेव द्रोणाचार्य हो तो युद्ध कर, तू कर्म कर अर्जुन। संदेह की बात कर जो हमने कुंवर प्रताप पर किए
कुंवर प्रताप को सखावीर मान लेगा। क्या हमारी आंखों ने अभी अभी कुंवर प्रताप को देखा? सखावीर! सखावीर कहाँ गया? अभी तो यही था सखावीर, फिर गया कहाँ हो? आप बताइए कहाँ गया? नहीं है ना? राणा उदय सिंह, क्या कहें इसे? वादा खिलाफी, क्योंकि जो वादा आपने छाती ठोक के किया था उसे तो आप पूरा नहीं कर पाए। भाग गया सखावीर आपकी आंखों में धूल झोंक कर। लेकिन अब तक तो वो यहीं पर था, फिर गया कहाँ? वो भाग नहीं गया, उसे भगा दिया गया यहाँ से। आपने भगाया उसे। कहना क्या चाहते हैं आप राव सुल्तान सिंह जी? वो जो एक क्षण के लिए आप ढीले पड़े थे वो क्या था? आपने इशारा किया था सखावीर को, या फिर आप उसे अवसर दे रहे थे कि वो भाग जाए यहां से? ना सोचिए, सोचिए, सोचिए। एक बालक राणा उदय सिंह मेवाड़ नाथ को मात दे के भाग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब वो बालक आपका अपना पुत्र कुंवर प्रताप हो। वो कुंवर प्रताप नहीं था। कुंवर प्रताप ही है सखावीर। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं उदय सिंह जी, और यही बात हमने इससे पूर्व भी आपको कही थी आपके महल में। आरंभ से आपकी तो यही मंशा रही है कि आप बूंदी को हड़प ले, मेवाड़ का हिस्सा बना ले। आप बाप बेटे ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, देखा आपने? बेटा आतंकवादी कार्यवाही करता है और बाप उसकी पलायन होने में सहायता करता है। वाह 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 वाह, जी बावड़े हो गए हो। राव सुल्तान सिंह, बड़े किस्से सुने थे राजपूतियान बान शान के हमने, लेकिन आज जो यहाँ देखा वो तो महज धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी, इसमें तो हमें बहादुरी और खुद मुख्तारी की कोई बात नजर नहीं आई। तुमसे बहादुर तो हम मुगल हैं, मुगल जो कम से कम अपनी दोस्ती का फर्ज तो ईमानदारी से निभाते हैं। बैरम खान, राजपूतों के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है वो सत्य है। राजपूतों के प्राण जा सकते हैं, पर उनकी खाई हुई सौगंधें कभी खाली नहीं जाती। इसलिए आज हम सबके सामने सौगंध लेते हैं, 8 पहर के बीतने से पहले पहले अगर हमने उस सखावीर को पकड़कर राव सुल्तान सिंह के हवाले नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह? धर्म खान जी,
ये हम सपना देख रहे हैं या वास्तविकता है? हमारी आंखों ने जो अभी देखा, हमारे कानों ने जो अभी सुना, ये सत्य है? राणा उदय सिंह आत्महत्या, आत्मदाह, आत्मदाह करने वाले जी बाबा। अरे चुप रहो राव सुल्तान, बंद करो अपनी मस्खरेबाजी। कोई बहुत भारी फतेह हासिल नहीं हुई है हमें अभी। वो सखावीर जो हमारी नाक के नीचे से भाग गया अभी भी जिंदा है, जानते हैं ना आप? आप चुप रहिए बैरम खान जी, क्षमा याचना। पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सखावीर से प्राप्त हुई पराजय के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि के अंधे हो गए हैं आप। राव सुल्तान टोकिए मत, आज नहीं, आज आप राव सुल्तान की भांति सोचिए, प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हम भी और आप भी दोनों भली भांति जानते हैं कि सखा वीर ही कुंवर प्रताप है। पर ये तो हमने भी देखा और आपने भी देखा कि किस प्रकार राणा उदय सिंह ने अपने ही पुत्र पे प्रहार किए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। अब जिस तरह के घाव लगे हैं कुंवर प्रताप को, हमें नहीं लगता कि उसके पश्चात भी कुंवर प्रताप अधिक समय तक जीवित रह पाए। मान लीजिए कदाचित कुंवर प्रताप जीवित बच भी गए तो क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक राजपूत प्रण लेता है तो उसका महत्व क्या होता है, मुगल क्या जाने। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह ने यह प्रण लिया है कि यदि 8 पहर के भीतर भीतर वो सखावीर को पकड़ ना पाए तो आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह, जल कर मर जाएंगे, अग्निदाह। तुम्हें क्या अंतर पड़ता है, बाप मरे बेटा मरे, हमारा तो जी बावड़ो ही होगा ना। मरो सखावीर, मरो कुंवर प्रताप, मरो राणा उदय सिंह, मरो जिसे मरना है मरो, क्या अंतर पड़ता है? और हमें फर्क पड़ता है। इस तौर से आज जो सखावीर ने किया उसके बाद तो उसे मरना ही पड़ेगा।